हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने ही चैनल पर। और आज मैं लगाने जा रही हूँ अपना एग्जोवा का प्लांट। तो इस गमले में मैं लगाऊंगी, इसमें ड्रेनेज बॉल खुले हुए नहीं थे, तो इसमें जो पहले प्लांट था वो गल चुका था। आज मैंने ध्यान दिया तो उल्टा करके देखा, तो इसका ड्रेनेज मैं खोलूँगी ज़्यादा, क्योंकि नर्सरी से लाते ही एकदम नहीं लगाना चाहिए। पौधों में भी इसी तरह हम लोगों की तरह एडजस्ट होने को टाइम मांगता है पौधे भी। और ये मेरे पास थे कई दिन से, मटर निकाली हुई थी, तो ये मैंने इसमें डिकम्पोज होने के लिए डाल दिए। ऊपर से एक परत में मिट्टी की डाल लूँगी इसमें, ये बहुत अच्छा खाद बनेगा, ऑर्गेनिक प्योर। तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और इसके बाद में डालूँगी ये वर्मी कम्पोज, थोड़ा फंजीसाइड, ये डालेंगे हम एक्सल सॉल्ट एक चम्मच के करीब। इसको हम लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं और वैसे एक चम्मच प्रति गमले के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आराम से काट दो इससे थोड़ा सा। एग्जोरा प्लांट एक खूबसूरत प्लांट है, ये सर्दी में डोरमेंसी में चला जाएगा, अपनी पत्तियां गिरा देगा और फरवरी में फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चिकनी मिट्टी है थोड़ी सी, हम इसको ऐसे कर देंगे। और ये डाली हमने थोड़ी सी कोकापीट और उसकी चिकनी मिट्टी हमने झड़का दी थी इसके रूट के पास। हमें जड़ के पास हम थोड़ा हाथ के प्रेशर से दबा देंगे ताकि जड़ के पास हवा न रहे और हमारा प्लांट अच्छी तरह चल सके। और ये डाला हमने थोड़ा एक्सम सॉल्ट और शाम के वक्त हम इसमें थोड़ा पानी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के वक्त डाल देंगे इसमें पानी थोड़ा। और वही ये लगाया हमने एग्जोरा प्लांट, जो कि एक महीना फूल और देगा और फिर जनवरी में डोरमेंसी में जाएगा, फरवरी में फिर स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास चार पांच एग्जोरा है, कई दिन से पड़ा था ये वेट करने, क्योंकि मैं अकेली नहीं लगा सकती थी, भारी गमला था। तो आज साहब घर में थे तो हमने एग्जोरा लगा लिया अपना, और इधर भी एग्जोरा है। मुझे एग्जोरा प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। उधर भी एग्जोरा है, देखो कितना अच्छा प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं। ओके, बाय बाय।